ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आए हैं जो कि होगी दिसंबर मंथ की। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दो सबसे बड़ी भविष्यवाणी हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं आपके आने वाले दिसंबर मंथ में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जिन्हें हम कार्ड्स के थ्रू क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप मेंटली ऑलरेडी अपने माइंड को उस हिसाब से सेट करके रखें कि कौन सी चीज़ें दिख रही हैं और आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे। दूसरा, अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है और आप रेगुलर व्यूअर हैं। और तीसरी बात कि ये रीडिंग जो है वो सन साइन और नाम राशि के अकॉर्डिंग ही देखना, ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ अपने ऊपर फोर्स करने की या फिर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग की तरह इसे देखना है। लास्ट एक बात मैं बोलूँगी कि अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ पहले मुझे कॉल किया करें, सॉरी व्हाट्सएप किया करें, मैसेज किया करें व्हाट्सएप पे हाई लिख के, एंड देन हम आगे चैट को कंटिन्यू करेंगे। सो जल्दी से अब इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो माई डियर लियो राशि, सो यहाँ पर लियो राशि हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी दो भविष्यवाणियाँ आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए दिख रही हैं, और उनको क्लैरिफायर भी करेंगे हम अपने एक दूसरे डेक से, जहाँ पर चीज़ें वन बाय वन देखेंगे कि किन चीज़ों के होने की संभावना है, एंड लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। सो सबसे पहला कार्ड लियो के लिए अलोननेस का कार्ड है यहाँ पे, और हम इसे क्लैरिफाई करते हैं द मून, द फूल एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए लियो, मुझे आपके लिए जो चीज़ बहुत क्लियर दिख रही है वो ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जहाँ पर अभी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में डाउट में जी रहे थे, चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पा रहे थे, वहाँ पर आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि फूल के कार्ड से आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। फूल के कार्ड से मुझे दिख रहा है कि फाइनली आप ये डिसीज़न लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए, क्या पाथ चुनना चाहिए, क्योंकि अकेले रह रहकर ये जो इनसिक्योरिटी है, एंजाइटी है, इसकी एंडिंग होने वाली है। और न्यू बिगनिंग के कार्ड से और जो नाइन ऑफ पेंटेकल्स आया वहाँ से दिख रहा है कि अबंडेंस, ग्रोथ अब फाइनली आपके पास आ रही है, और आप एक ऐसे रास्ते पे चलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है इस अकेलेपन से, ये अकेलापन आपको अब एक नए और एक बेटर रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। अगली भविष्यवाणी देखते हैं कि क्या है, और वो है स्लोइंग डाउन का कार्ड। सो इसे क्लैरिफाई करते हैं फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो देखिए स्लोइंग डाउन के कार्ड से एक चीज़ जो क्लियर हुई है वो ये है कि जहाँ आप एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, जहाँ पे आपका पार्टनर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, या फिर ये भी दिख रहा है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे और आपका बॉस, आपका बिजनेस पार्टनर उस तरह से चीज़ों को नहीं देख रहा था, नहीं चीज़ों में उतना एफर्ट डाल रहा था, और कहीं ना कहीं आपके जो आप एफर्ट्स डालते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, आपको रिवॉर्ड्स नहीं दे रहा, आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही, वहाँ पर अब आपको कहीं ना कहीं दिसंबर में ये लगेगा कि मुझे अब अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में खुद को कैसे उस पर्सन से, उस सिचुएशन से डिटैच रख के हैप्पी रखना है। आप अपनी इमोशनल और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस करेंगे दिसंबर में, और ख़ुद को परेशान करने की बजाय अपने आप को एक सोल्यूशन देते आप मुझे नजर आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो परेशान होने वाले कार्ड्स नहीं आए हैं, दोनों कार्ड्स में आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पर आपने अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने का एक बहुत इजी और बहुत अच्छा रास्ता ढूंढा है। बढ़ते हैं अब आपके लिए गाइडेंस से। सो हम अपने ओरेकल डेक से गाइडेंस लेंगे कि क्या करना चाहिए अब आपको गाइडेंस फॉर योर लाइफ।
सो यहाँ पर कार्ड लेते हैं हम आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है कॉम्पिडेंसी, कोडिपेंडेंसी। देखिए, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि लियो, अगर आपकी लोगों के ऊपर अपनी खुशियों के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी एक पूरी क्लैरिटी के लिए अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हैं, चाहे वो आपके घर पे है, अगर आपको लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है और आप उनके बिना काम नहीं कर पाते, तो आपको अपनी इस चीज़ के ऊपर, इस एक कमी के ऊपर काम करना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हमारा अगला कार्ड है जो कि कहता है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको अपने सोलमेट से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा आप रिलेशनशिप वाइज इश्यूज फेस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशंस, ये सब आपको हेल्प करेंगी कि आप वापस से दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएं। सो रिलेशनशिप वाइज भी आपको कहीं ना कहीं एक साथ करने के लिए डिवाइन पूरी सपोर्ट करेगा आपको, और दूसरा ये जो डिपेंडेंसी है आपकी, इसको भी पूरी तरह से ख़त्म करेगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये रीडिंग आपकी, आपको क्लैरिटी दे के गई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कितनी क्लैरिटी मिली आपको और आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को अपकमिंग मंथ के लिए। बाकी मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।